हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज़ में। आज हमारे पास है महिंद्रा की बलेरो पावर प्लस 3 सिलेंडर वाली, और इसमें ये इंजन की लैंप ब्लिंक कर रही है और स्टार्टिंग इशू है। हमने स्टार्टिंग इशू देखने आए हैं, तो इंजन लैंप ब्लिंक कर रही है, स्टार्टिंग इशू है, तो 95% ये गाड़ी सेफ मूड में है। लेकिन फिर भी हम स्कैनर लगा के क्लियर कर लेंगे कि गाड़ी सेफ में है, मूड में है, या और भी कुछ इसमें इशू है। तो अपना जो गाड़ी सेफ मूड में आखिर जाती क्यों है, क्या कारण होता है सेफ मोड जाने का? ज़्यादा क्रैंकिंग करने का कारण होता है, लो बैटरी में आपने लिमिट से ज़्यादा सेल्फ मारा है, ये सब बहुत सारा अलग अलग रीज़न है। लेकिन ये गाड़ी क्यों गई सेफ मोड में, मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा उसका, और आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों क्या ये ऐसा होता है। ये तो सेफ मोड का सारा कोड है, जैसा कि देख पा रहे हैं, इमोबिलाइजर, ऑथराइजेशन, एरर वगैरह वगैरह, ये तीनों कोड जो हर बार मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो इसको हम क्लियर कर देंगे, जो कि ये क्लियर होगा नहीं वही रहेगा। इमोबिलाइजर में हम रीड करेंगे, जब इमोबिलाइजर जो कॉमन कोड है एसीएम नो चैलेंज का, वो तो आएगा ही, लेकिन रॉन्ग टीएक्सपी जो नीचे में आ रहा है ना, सेकेंड वाला B0042, ये मेन रीज़न है इस गाड़ी को सेफ मोड में ले जाने वाला, ये मेन कोड है। इसका कोड, इस कोड का क्या मतलब है? ये कोड का मतलब होता है ये कि या तो गाड़ी ये चोरी करने का प्रयास किया गया है, या तो फिर इसमें गलत चाबी लग गई है, या तो फिर इसी चाबी का ट्रांसपोंडर गिर गया, कस्टमर को पता नहीं चला, और फिर इग्निशन पार्टी ने, कस्टमर ने ऑन किया, तब ये सिक्योरिटी मोड में ये गाड़ी चली गई। तो इसको हम अनलॉक करेंगे। ये ऑटो आइडेंटिफाई का प्रोसेस जो सेम है, मैं प्रोसेस तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसका कारण बताया मैंने, जो इसका जो मेन फॉल्ट था, इसका असल रिमोट वाली चाबी थी, और ये गाड़ी का रिमोट कस्टमर से गिर गया था और इसका ट्रांसपोंडर बैक हो गया था। तो ट्रांसपोंडर सही जगह पे नहीं रहने के कारण इसमें रॉन्ग टीएक्सपी, गलत सिक्योरिटी, गलत चाबी या गलत डिसीजन मिल रहा था इसको, सही ट्रांसपोंडर नहीं होने के कारण, इसीलिए गाड़ी ने अपने आप को सेफ मोड में कर लिया। और इससे काफ़ी कुछ मतलब बचता है अब तो, नहीं तो ये पहले की तरह नहीं है, स्टार्ट हो जाती है ऐसा। तो जैसा कि हमने क्लियर किया, तो हमारा जब ये क्लियर हो जाएगा ईएमएस इशू से अनलॉक, तो यहाँ पे हमारा एक कोड मैक्सिमम रोम नंबर अटेम्प्ट वाला कोड क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि महिंद्रा में 2 मिनट का प्रोसेस हम लेते हैं हर गाड़ी में, इसमें भी लेंगे, और आफ्टर 2 मिनट हम देखेंगे। तो 2 मिनट के कम्प्लीट होने के बाद हम इग्निशन को ऑन करते हैं। तो जैसे फर्स्ट इग्निशन ऑन पे ही हमारा चेक लैंप ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो हम फिर से सेकेंड ऑन करेंगे, क्योंकि गाड़ी कभी इस समय से स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फ्यूल इसमें आ जाए अच्छे से। तो हम क्रैंक करेंगे, अभी देख पा रहे हैं हमारा आरपीएम हाई हो रहा है, तो हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर किया करें, और लाइक तो अपने भाई को सहमति के लिए लाइक भी किया करें, और हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं अच्छा लगता है, तो मैं उतना आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो शायद हमारी वीडियो से लाभ उठा